हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शिक्षा विभाग से जुड़े अपडेट्स और जानकारी की। बात करेंगे स्टाफिंग पैटर्न को लेकर अपडेट्स की। बात करेंगे शिक्षा विभाग से जुड़ी अपडेट्स की। तो चैनल पर पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। बात करें तो स्टाफिंग पैटर्न को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले शारीरिक शिक्षक। स्टाफिंग पैटर्न जो होता है हर प्रतिवर्ष होता है, प्रारंभिक शिक्षा में, माध्यमिक शिक्षा में करने का रूल है, प्रति तीन वर्ष में एक बार करने की जरूरी है, लेकिन शिक्षा विभाग पिछले लंबे समय से ये नहीं हो पाया है। तो स्टाफिंग को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले शारीरिक शिक्षक। इसके साथ ही समस्त शिक्षकों को स्टाफिंग पैटर्न से फ़ायदा ही होता है। एक प्रकार से नामांकन के आधार पर जो है शिक्षकों को इधर उधर किया जाता है, जिसमें नामांकन बढ़ जाता है वहाँ शिक्षकों को लगाया जाता है, जहाँ कम हो जाता है वहाँ से उनमें कटौती करते हुए उनको हटाया जाता है। तो स्टाफिंग को लेकर लंबे समय से मांग चल रही है। प्रारंभिक शिक्षा में तो स्टाफिंग पैटर्न किया गया था, लगभग 2-3 साल होने को आया है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न को लगभग 9 से 10 साल हो गए हैं। तो अब माध्यमिक शिक्षा में भी काफ़ी मांग चल रही है कि जल्द से जल्द स्टाफिंग पैटर्न किया जाए। तो इसको लेकर ये न्यूज़ है, आपको बता देते हैं। जोधपुर से खबर, प्रदेश में छात्र संख्याओं के आधार पर यानी नामांकन के आधार पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्टाफिंग पैटर्न पर लगातार खुलने की उम्मीद जगी है। अब इसमें बात हो रही है शारीरिक शिक्षकों की, तो मैं आपको बता दूँ कि केवल शारीरिक शिक्षक नहीं, जब स्टाफिंग पैटर्न होता है तो समस्त शिक्षक, जो भी सामान्य शिक्षक हैं, विषय आधारित शिक्षक हैं या विषय अध्यापक हैं, उन सभी शिक्षकों को मौका दिया जाता है। उनको पदों में जो भी नामांकन के आधार पर वृद्धि व कमी होती है, तो शारीरिक शिक्षक अभी जाके मिले हैं और उन्होंने अपनी व्यथा बताई है शिक्षा मंत्री को। साथ स्टाफिंग पैटर्न पर अब ताला खुलने की उम्मीद भी जगी है। करीब 9 वर्ष पहले वर्ष 2015 में प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या के आधार पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए स्टाफिंग पैटर्न लागू किया गया था। तो लगभग 2015 में ये सिस्टम लागू किया गया है और एक बार कहें तो हो चुका है। तो करीब 9 वर्ष पहले 2015 में प्रदेश के माध्यमिक विद्यालय में छात्र संख्या के आधार पर इसे लागू किया गया स्टाफिंग पैटर्न। और उसके पश्चात जो है माध्यमिक शिक्षा की बात करें, माध्यमिक विभाग की बात, वहाँ पर स्टाफिंग पैटर्न अभी तक नहीं किया गया है। प्रारंभिक शिक्षा में अभी हाल ही में बात करें तो लगभग 2-2.5 साल पहले किया गया था। प्रारंभिक शिक्षा में अभी किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी जो मांग है माध्यमिक शिक्षा की ज़्यादा है, क्योंकि इनको समय ज़्यादा हो गया है। तो अब स्टाफिंग पैटर्न हो भी सकता है तो इनका पहले हो सकता है। और प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा में स्टाफिंग पैटर्न जैसा कि रूल है कि हर 3 साल में करना होता है, तो अब विभाग के ऊपर है कि क्या वह इस बार भी प्रारंभिक शिक्षा विभाग का भी स्टाफिंग पैटर्न करेगी। तो पहले देख लेते हैं कि माध्यमिक विद्यालय में जो मांग हो रही है कि जल्द से जल्द स्टाफिंग पैटर्न किया जाए। वर्ष 2015 के बाद से आज करीब 9 साल बाद स्टाफिंग पैटर्न नहीं होने से हज़ारों शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, उनके लिए पद खाली भी पड़े हैं। शारीरिक शिक्षकों के एक प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री से मुलाकात कर प्रदेश में जो जल्द से जल्द स्टाफिंग पैटर्न करने को मांग की है। तो शिक्षा मंत्री से मुलाकात करके अब प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलाव इस समस्या से अवगत कराया और उन्हें बताया कि स्टाफिंग पैटर्न किया जाए। शिक्षा मंत्री ने भी जल्द स्टाफिंग पैटर्न शुरू करने का भरोसा दिलाया है कि जल्द ही जल्द स्टाफिंग पैटर्न किया जाएगा। शारीरिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष शापूराम चौधरी ने बताया कि शिक्षा मंत्री से माध्यमिक शिक्षा विभाग में स्टाफिंग पैटर्न शुरू करने की मांग की। साथ ही उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा के पदों की पदोन्नति कर नियुक्ति प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय, उप जिला शिक्षा अधिकारी शारीरिक शिक्षा के पद स्वीकृत किए जाने के, ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में व्याख्या था शारीरिक शिक्षा का पद स्वीकृत किए जाने, तृतीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों के स्थानांतरण किए जाने सहित विभिन्न मांगें की गई है। अब बात करें तो स्टाफिंग पैटर्न की, वो इस प्रकार है कि स्थिति जो है वर्तमान में, ये जोधपुर जिले की खबर है। जोधपुर पदोन्नति, वैसे हर जिले की अलग स्थिति है। तो जोधपुर में व्याख्या था शारीरिक शिक्षा के 2015 से पूर्व 11 पद स्वीकृत थे, आज 9 साल बाद भी इतने ही हैं। यदि स्टाफिंग पैटर्न माध्यमिक शिक्षा विभाग में शुरू किया जाए तो वर्तमान में छात्र अनुपात के अनुसार हज़ारों पर व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के स्वीकृत पर हो सकते हैं। छात्र अनुपात के अनुसार होता है, नामांकन के अनुसार होता है। तो छात्र अनुपात के अनुसार व्याख्याता के शारीरिक शिक्षा के पद भी स्वीकृत हो सकते हैं। और पूरे राज्य में देखें तो 2015 से पूर्व 265 पद ही व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के स्वीकृत थे, आज भी उतने ही हैं, जबकि छात्र संख्या बढ़ोतरी हुई है, लगभग 15 लाख हो चुकी है। तो इस प्रकार से ये जो शारीरिक शिक्षकों का मामला है वो भी है, और अन्य टीचर्स भी इसमें आते हैं, विषय अध्यापक भी है, उन सब की बात करें तो वो सब भी आते हैं। अगर स्टाफिंग पैटर्न किया जाएगा तो छात्र नामांकन जैसे बढ़ा है माध्यमिक शिक्षा में, उसके अकॉर्डिंग विभिन्न पद बढ़ेंगे और वहाँ पर टीचर की नियुक्ति हो पाएगी, इसलिए स्टाफिंग पैटर्न की मांग की जा रही है। अब शिक्षा विभाग कब ये स्टाफिंग पैटर्न करता है, जिस प्रकार से शिक्षा मंत्री ने बात की है, प्रतिनिधिमंडल शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिलाया है, यानी शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जो है वर्तमान शिक्षा मंत्री, उन्होंने अवगत कराया उनको और जल्द ही स्टाफिंग पैटर्न शुरू करने का भरोसा भी दिया है। तो ये स्टाफिंग पैटर्न को लेकर अपडेट्स और जानकारी आप सभी के लिए। धन्यवाद।